कोई भी सिचुएशन हो जहां पर इनकम प्रूफ दिखाना हो, बैंक में हो, वीजा लेने जाना है या दूसरा कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करते हो, आईटीआर का कॉपी ही आपसे मांगा जाता है। इसको एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी कहा जाता है। इस साल का आईटीआर कॉपी हो या पिछले सालों का, कैसे डाउनलोड करना है जल्दी से आपको डेमो दिखा देता हूं। एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आईटीआर दूसरे से फाइल करवाते हैं और कॉपी भी दूसरे से मिल जाता है, लेकिन अर्जेंसी आ गई है, कॉपी उनको अभी चाहिए तो वो खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहले जाना है incometax.gov.in की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर पैन नंबर आपको इंटर करना है या तो आधार नंबर, उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे पेज आएगा, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, नीचे पासवर्ड इंटर करना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, 2 मिनट का काम है, वीडियो हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। हमारे केस में हमें पता है और आपको भी पता होना ही चाहिए। पासवर्ड इंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब डैशबोर्ड पर हम आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा असेसमेंट ईयर 2022-23 का आईटीआर फाइल किया जा चुका है, ई वेरीफाई भी किया जा चुका है। कैसे आईटीआर का कॉपी डाउनलोड करना है, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फाइल रिटर्न, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरीके से व्यू फाइल रिटर्न का पेज आ जाएगा। यहाँ पर जो भी आईटीआर आपने फाइल किया हुआ है अब तक, सारों का डिटेल दिखाई दे जाएगा। जैसे कि असेसमेंट ईयर 2022-23 का हमने फाइल किया हुआ है, अगर इसका आईटीआर कॉपी हमें डाउनलोड करना है तो यहाँ पर बटन है डाउनलोड रिसिप्ट, इस पर हमें क्लिक कर देना है और डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड के बाद हमारे केस में ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है आईटीआर, लेकिन ध्यान देना सबके केस में ऑटोमेटिकली ओपन होगा नहीं, क्योंकि ये तो कंप्यूटर का सेटिंग है। हमने ऐसे सेटिंग करके रखा हुआ है कि कोई भी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अब जहां पर भी आपको आईटीआर के कॉपी का काम लगा हुआ है, इसका प्रिंट आउट निकालिए और वहां पर दे दीजिए, अदरवाइज आप इसको मेल भी कर सकते हो अगर ऑनलाइन सेंड करना है तो। अब यहां पर हमने करंट असेसमेंट ईयर जो कि 2022-23 था, उसका आईटीआर कॉपी हमने डाउनलोड कर लिया। मान लीजिए कि आपको पुराने साल का आईटीआर कॉपी डाउनलोड करना है तो उसके लिए क्या करना, बहुत ही आसान है। यहाँ पर स्क्रोल बार है, नीचे जाना है आपको, स्क्रोल करके ढूंढ लेना है कि कौन से साल का आपको आईटीआर कॉपी डाउनलोड करना है। जो भी साल का डाउनलोड करना है वहां पर आप रुक जाइएगा और फिर यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और सेम जैसे कि हमने पहले देखा, आईटीआर का कॉपी डाउनलोड हो जाएगा और उसको आप ओपन कर सकते हो। देखिए ये 2015-16 का है, तब ITR 4S होता था जो कि अब कन्वर्ट हो गया है ITR 4 में, ठीक है। अब इसका भी प्रिंट आउट निकाल कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर पुराना ITR डाउनलोड करना है तो कितने सालों तक का ITR डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, 2013-14 से आप डाउनलोड कर सकते हो ITR, उसके पहले का आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि नीचे आइटम पर पेज है, हमारे केस में आप देख सकते हो एक ही पेज पर सारे ITR दिखाई दे रहे थे, लेकिन हो सकता है आपके केस में ना दे, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होगा, यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे साल का आईटीआर दिखाई दे जाएगा, अदरवाइज आप चाहें तो आइटम पर पेज को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में हमने 9 कर दिया है तो एक पेज पर 9 साल का आईटीआर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है और फाइल करने के बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको आप सेव कर लीजिएगा और चेकआउट भी कर सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इस प्लेलिस्ट में हैं।